हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये सीरीज है अपना टॉपर सीरीज। इसमें मैं आपको हर वो छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ ना, जो कि आपको टॉपर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अच्छे बच्चे तो हो, 90% तो ले आते हो, लेकिन टॉप नहीं कर पाते, तो वो छोटी बातें जो आप मिस करते हैं ना, वही छोटी बातें आपका जो टॉपर का पोजिशन है उसे खा जाता है। तो वो छोटी बातें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो उन छोटी बातों के अंतर्गत आज जो हम लोग पहली चीज़ यहाँ पर करेंगे ना, वो है डेट सीरीज़। हम लोग यहाँ पर जितने भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स ना उसे याद करेंगे। तो मैं सेपरेट वीडियोस में चैप्टर बाय चैप्टर इतिहास के डेट सीरीज लेकर के आऊंगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यहां देखते हैं इस चैप्टर से। तो जो सबसे पहली तारीख इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो है 1789। 1789 में फ्रांस की महान क्रांति हुई थी। 1789 फ्रांस की महान क्रांति, उसके बाद 1804 ईस्वी आता है। ठीक है, मतलब 1789 के डायरेक्ट बाद जो अगला इंपॉर्टेंट डेट है जो कि हमें याद रखना है, वो है 1804 ईस्वी। नेपोलियन संहिता लागू हुआ था इस टाइम पे। ठीक है बच्चों, 1806 में क्या हुआ था बच्चे, तो नेपोलियन द्वारा राइन राज्य संघ का निर्माण हुआ था। ठीक, राइन राज्य संघ क्या था बच्चे, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना। वैसे हिंट देने के लिए मैं बता देता हूँ कि 39 राज्यों का एक संघ बना दिया था नेपोलियन ने, किसे, तो जर्मनी को। तो सारा कुछ तो मैं नहीं बता दिया। अब जो अगला है बच्चे, वो है 1810। 1810 में क्या हुआ था, तो इटली में कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक, और इसी संगठन का सदस्य कौन था बच्चों, मेजिनी। ठीक है, 1815 की बात करते हैं, वियना सम्मेलन हुआ था, या तो वियना कांग्रेस हुआ था, और साथ ही साथ मेटरनिक व्यवस्था की स्थापना भी इसी टाइम पे हुई थी, और नेपोलियन इसी साल वाटरलू के युद्ध में पराजय हुआ था। तो 1815 बहुत इंपॉर्टेंट है ये साल। ठीक, क्या क्या है बच्चों, वियना सम्मेलन हुआ, या तो वियना कांग्रेस कह सकते हैं, मेटरनिक व्यवस्था की स्थापना हुई, नेपोलियन की हार हुई। ठीक है बच्चे, ये सारा कुछ 1815 में हुआ। अगला जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 1829। रूस और तुर्की में, तुर्की के बीच में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। 1829 रूस और तुर्की के बीच में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। अच्छा, अब आप कहोगे सर याद नहीं होता है, तो याद करने का बहुत अच्छा तरीका है बच्चे। क्या है तरीका, आप आंखें बंद कर लो, ठीक, और आंखें बंद करने के बाद आराम से कान में हेडफोन लगा करके मेरी आवाज को सुनते रहो। दो बार तीन बार अगर आप इसे सुनोगे ना, एकदम याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 1830 की बात करते हैं, फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई थी। 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई थी बच्चों। ठीक, 1831 की बात करते हैं, तो मेजिनी ने मरसाई में यंग इटली की स्थापना की थी। 1831 में मेजिनी ने क्या किया था बच्चों, यंग इटली की स्थापना की थी। और 1832 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुस्तुंतुनिया की संधि हुई थी और स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है कि यूनान जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो 1832 में। किस संधि के द्वारा बना बच्चों, तो कुस्तुंतुनिया की संधि के द्वारा बना था। ठीक ना, अगला सवाल है हमारे सामने, सवाल नहीं बल्कि अगला जो डेट है वो ये है, 1834 प्रसा द्वारा जॉल्वे राइन शुल्क संघ की स्थापना करना। 1834 में ही जॉल्वे राइन शुल्क संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, और मेजनी द्वारा बर्न में यंग यूरोप नामक भूमिगत संगठन की स्थापना। ठीक है बच्चे, यंग यूरोप की स्थापना भी 1834 में ही हुई थी। ठीक है बच्चे, मतलब कि सबसे पहले यंग इटली का स्थापना किया मेजनी ने, और उसके ठीक तीन साल बाद 1834 में क्या किया भाई, तो यंग यूरोप नामक भूमिगत। भूमिगत का क्या मतलब होता है बच्चे, अंडरग्राउंड थे ये सारे के सारे, मतलब कि जैसा कि कांग्रेस था कि अंग्रेजों के नज़र में था कि हाँ भाई कांग्रेस नाम की एक पार्टी है, वैसा ये पार्टी नहीं था, ये छिप के काम करने वाला पार्टी था। 1848 अगला जो डेट आपको याद रखना है, वो याद रखना है, इस साल क्या हुआ था बच्चों, तो मेटरनिक का पतन हो गया था। मेटरनिक को इसी साल रपेट दिया गया था वहां से, ऑस्ट्रिया से, और ये भाग करके कहां गया, इंग्लैंड गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं 1851 का। 1851 मेजनी के द्वारा फ्रेंड्स ऑफ इटली संस्था की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो मेजनी ने क्या किया क्या बच्चों, सबसे पहले यंग इटली बनाया, उसके बाद यंग यूरोप बनाया, और उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ इटली बनाया। ये संगठन बनाने में बड़ा तेज था ये मेजनी। ठीक, अब 1858 की बात करते हैं, तो कॉन्ट काबूर के द्वारा फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ एक समझौता हुआ, और जिसका नाम क्या है बच्चे, प्लेम्बियर्स की समझौता। ठीक है, 1858 में कॉन्ट काबूर और फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग प्लेम्बियर्स का समझौता कहते हैं। हाँ जी, और इस समझौते के तहत ये दोनों मिल करके ऑस्ट्रिया को जाकर के क्या किया थे, रपेट दिए थे इटली के बहुत बड़े एक एरिया से, है ना। दोनों ने मिलकर कहा कि देखो, ऑस्ट्रिया ने हमारे दो बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखे हैं, हम लोग दोनों मिलकर लड़ते हैं, अगर हम जीत जाएंगे तो एक भूभाग आपका, फ्रांस के साथ कह रहा था ये, किसने कहा था, ये कॉन्ट काबूर ने कहा था, और एक मेरे कब्जे में दे देना। ठीक, ऐसा कर करके उसने लड़ दिया था। अगला क्या है बच्चों, अगला है
1862 ईस्वी बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना। 1862 में बिस्मार्क जो है वो प्रसा का चांसलर बना था बच्चों। और 1864 में सेल्सविक और होलस्टीन के प्रश्न पर प्रसा और डेनमार्क का युद्ध हुआ था। प्रसा डेनमार्क युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1864 में, याद रखना है, ठीक है। 1865 गैस्टीन की संधि द्वारा होलस्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ। गैस्टीन की संधि के द्वारा होलस्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1866 वाला ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, जिसे सेडोवा का युद्ध कहा जाता है, प्राग की संधि भी इसी समय हुई थी और उत्तरी जर्मन महासंघ का गठन भी इसी साल हुआ था। 1866 ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, जिसे सेडोवा का युद्ध कहते हैं, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बच्चों। प्राग की संधि भी इसी टाइम हुई थी और उत्तरी जर्मन महासंघ का गठन भी इसी साल हुआ था। अब बात करते हैं 1870 में क्या हुआ था। तो इटली का एकीकरण हो गया था, ठीक है, और सीडान का युद्ध हुआ था। सीडान युद्ध हुआ था और इटली का एकीकरण, दोनों एक ही साथ हुआ था 1870 में। पहले सीडान का युद्ध हुआ, बाद में इटली का एकीकरण हो गया। अच्छा, 1871 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साल है बच्चे, सीडान का युद्ध वाला भी। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 70 में। 1871 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी इस साल, जर्मनी का एकीकरण हुआ था। पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण किस ये के साथ हुआ था, संधि के साथ हुआ था, तो फ्रैंकफर्ट संधि के साथ हुआ था, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना, ये भी उसी साल हुआ था। जब जर्मनी एक हुआ तो वहां का एक सम्राट भी बनना था ना, तो कौन बना था? विलियम प्रथम। ये सारी चीजें तो एक बार फिर से इसे देखना बच्चों, एक बार देखने के बाद एक बार फिर से इसे देखना, जब तक पूरा डेट आपको याद ना हो जाए तब तक आप इसे देखते रहो। अब आप कहोगे सर इसका ये कहां मिलेगा, पीडीएफ कहां मिलेगा? दो जगह मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको टेलीग्राम अपने ये में ग्रुप में, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, और दूसरा अपने वेबसाइट पे मिलेगा, वहां से भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। वेबसाइट जाना ज्यादा बेहतर होता है बच्चे, वहां चले जाना, ठीक है बच्चों। हाँ जी, वेबसाइट का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें। जब तक एग्जाम हो नहीं जाता हम लोग इसी तरीके का इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी बातों वाली वीडियोस बनाते रहेंगे, ठीक है बच्चों, और बड़ी बातें तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है ना जी। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अपना वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो उसका एक और तरीका है बच्चों। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे आएं, यहाँ पे आपको सर्च करना है SR क्लासेस, ये लिख दीजिए और ऐसे सर्च कर दीजिए। सर्च करोगे आप यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है बच्चों, इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे आप अपने वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। यहाँ पहुँचने के बाद आपको हर वो चीज़ मिलेगी बच्चों जिसकी आपको तलाश थी, है ना, हर वो चीज़। यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की तैयारी होती रहती है बच्चों, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। आप कहोगे सर दिखाओ, हमने कहा ये लो भाई, हमने दिखा दिया, इसे थोड़ा सा बंद कर देते हैं। ये रहा हिंदी का, चलो उठाओ 20 के दांत देखते हैं। क्लिक किया, ये देखिए आपके सामने हाजिर है भाई। क्या हाजिर है? तो 20 के दांत के लेखक के बारे में क्या है, तो ये सारी बातें आपको दिख जाएंगी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं ये दिख जाएंगी बच्चों। 20 के दांत के पाठ का सारांश क्या है ये आपको दिख जाएगा, ठीक। अब बात रहा उसके ऑब्जेक्टिव सवालों का, तो ये आपको दिख जाएगा। इस तरीके से हर वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है बच्चे। इसके अलावा और क्या मिलता है यहाँ पर? तो और मिलता है आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। लेटेस्ट अपडेट मतलब कि क्या कुछ हो रहा है बोर्ड में, ठीक ना। हाँ, उसके बाद मॉडल पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सभी स्कूल कॉलेज ओपन, बस इस नियम को पूरा कर लो, देख लो। हाँ, अभी अभी आज ही हो गया है ये, ठीक है बच्चों। मतलब कि जो लेटेस्ट अपडेट आया वो यहाँ पे छप गया है। तो हर वो चीज़ जो आपको चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा ये वीडियो बता देना कमेंट कर करके। अच्छा लगा है अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा देना, ठीक है बच्चों। और वीडियो को लाइक तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।